दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत में खुद को इस्लाम का सरपरस्त बताने वाले कुछ कट्टरपंथी अपने आप को बताते हैं कि वो असली वाले मुस्लिम हैं और हरकतें भी उसी तरह की करने की कोशिशें करते हैं, या यूं कहें कि ये नकली वाले असली वालों से ज्यादा मटक कर चलते हैं। कि वो आपको मीम तो याद ही होगा, नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से। अभी यही वो लोग थे जब यूएई में मंदिर बना था, तब ये कह रहे थे कि अल्लाह का कहर बरसा है, कयामत आने वाली है, अरब में मंदिर बन रहे हैं, हाय अल्लाह हाय तौबा, ये क्या हो रहा है। और जब बाढ़ आई थी तो ये सब उछल उछल कर मेढक की तरह आवाजें निकाल कर बोल रहे थे कि लो दुबई, तुमने अपने यहाँ मंदिर बनाया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो फिर वहां के शेख से रहा नहीं गया, खुद आए और बता दिए कि अबे तुम तो भी इंडिया में रह रहे हो ना, इंडिया तो हिंदुओं की है, अब हिंदुओं ने तुमको मस्जिद बनाने की इजाजत कैसे दे दी। उन्होंने क्या कहा था आप खुद देख लीजिए। कुछ कॉमेंट्स आते हैं मेरे पास सोशल मीडिया में, बोलते हैं अरे देखो इन पे बारिश ऐसी पड़ी है क्योंकि ये लोग पे लानत आ गई है खुदा से अल्लाह, क्यों आई है, क्योंकि ये लोग ने मंदिर बनाया। अच्छा मेरे भाई, आप जो इंडिया से बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप लोग ऐसी बात जब करते हो मुझे महसूस होता है कि आपका जो अकल है या फिर आपका जो नॉलेज है बहुत ही कम है इस्लाम के बारे में। आप ऐसे मुल्क में हो इंडिया में जहाँ के परसेंटेज जो हिंदू परसेंटेज है बहुत बड़ी, तो मस्जिद वहां पर कैसी है आपके मुल्क में? इंडिया में कई मस्जिद है और ऐसी कई मस्जिद है जो इमाराती लोगों ने या इमारात के लोगों ने बनाई है, आप तो वो लोगों ने आपके लिए मस्जिद बनाई है, वो हिंदू का मुल्क है, हिंदू बहुत ज्यादा है वहां पर, फिर भी मस्जिद है वहां पे, तो आपने कुछ नहीं बोला, बस आए यहाँ पर इमारात के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पर कुछ हिंदू भाई है हमारे पास, उनके लिए हमें मंदिर बनाए, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? कभी कभी दिल करता है जवाब देने को, कभी मैं जवाब नहीं देता, मैं सिर्फ रिपोर्ट और ब्लॉक करता हूँ। रिपोर्ट और ब्लॉक का मतलब क्या है आप पता है आपको? ये है मतलब रिपोर्ट और ब्लॉक जब मैं करता हूं इसका यही मतलब है, और सब लोग जब ये करते हैं यही आता है आपके ऊपर, समझ गए? खैर इन सब बातों से ये तो बात स्पष्ट हो गई कि जो यूएई और अरब के शेख है उनका भारत और हिंदू धर्म के लिए प्यार बहुत ही ज्यादा है। अब सोचिए कि एक तरफ पाकिस्तान और भारत के कट्टरपंथी ये कह रहे हैं कि तुम हिंदू धर्म को सम्मान दे रहे हो इसलिए तुम्हारे यहाँ ऐसी चीजें हो रही हैं, और इन सब के जवाब में अरब एक और हिंदू धर्म से जुड़ा काम कर देता है, और वो काम ये था कि अपने यहाँ बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बुला लेना, और इन सब का आयोजन करवाने वाला शेख जिसका नाम डॉक्टर बू अब्दुल्ला है, वो एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है जिसकी 250 से ज्यादा चैन्स हैं। डॉक्टर बू अब्दुल्ला की पूरी दुनिया भर में 250 से ज्यादा बिजनेस चैन है, और इनका बिजनेस इस कदर बड़ा है कि ये दुबई के टॉप 10 कारोबारियों में से एक हैं, और तो और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इनके हिंदू प्रेम के बारे में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों अगर आपको याद हो तो डॉक्टर बू अब्दुल्ला कुछ समय पहले भारत आए थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिले थे, ये उस समय की तस्वीरें हैं। तब भी मुस्लिम कट्टरपंथी काफी ज्यादा परेशान दिखे थे, कह रहे थे कि इस शेख ने तो हिंदू धर्म अपना लिया है, और दूर इन मुस्लिमों को इतनी ज्यादा समस्या है हिंदू धर्म से कि ये अगर कोई व्यक्ति उनके साथ टाइम भी बिता रहा तो उसको बिगड़ जाते हैं। ये डॉक्टर बू अब्दुल्ला का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अबू धाबी में प्रमोद कृष्णम जी के साथ कार में जा रहे थे, उसका एक वीडियो डाला इन्होंने, उसमें आचार्य प्रमोद कृष्ण में गाना गा रहे थे, अभी सुनिए उन्होंने क्या गाया। किशोर कुमार का गीत है, यो तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए वो मेरे दिल के चैन, चैन मेरे दिल को दुआ कीजिए
अब इसके नीचे कमेंट क्या आ रहे थे, यू आर मुनाफिक, एजाज अहमद नाम का ये युवक लिख रहा है। फिर सैम राजपूत है कोई, इस्लाम का झंडा लगाए हुए, ये इसने लिखा शेमलेस पीपल। ताहिर उस्मानी लिख रहा है इंशाअल्लाह कयामत सून। और समीर सैयद लिख रहा है वाह, और मुस्लिम के साथ इंडिया में क्या हो रहा है ये सब तुमको पता है। इसी तरह से और भी नीचे कमेंट देखने को मिले। सुहेल राजा लिख रहा है ला हवला वाला कुवता, पता नहीं ला जो भी है मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या कह रहा है। सादिक मुल्ला लिख रहा है मुनाफिकीन इज गोइंग टू इंक्रीज इमनेसली बिफोर द टूम्स डे। वसीम लिख रहा है आर यू मुस्लिम क्वेश्चन मार्क, और इसने अपनी डीपी में इंडिया का तिरंगा लगा रखा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें कितनी ज्यादा नफरत है हिंदू धर्म से जुड़े किसी भी लोगों से, यहाँ तक कि इन्हें अपने का ठेका, अपने की परवाह नहीं है लेकिन दूसरों का ठेका जरूर लेना है। अब एक दूसरे ट्वीट पर चलते हैं जिसमें डॉक्टर अबू अब्दुल्ला ने बताया कि किस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 21 मई से दुबई में कथा करने वाले। उन्होंने बाकायदा लिखा वी वेलकम गुरु जी बागेश्वर धाम इन दुबई ऑन 21st May 2024। अब नीचे इसमें भी कट्टरपंथी आए, एक लिख रहा है अरे ये पाखंडी है, और दो KRK जो कि एक फिल्म क्रिटिक है वो लिख रहा है द गाय थ्रेटन्ड इंडियन मुस्लिम्स डे एंड नाइट, ही आस्क्ड इंडियन मुस्लिम टू गो टू पाकिस्तान एंड यू आर प्रेजिंग हिम सुपर्ब। यानी वही शख्स है जो भारतीय मुस्लिमों को दिन रात धमकी देता है और इसने भारतीय मुस्लिमों को पाकिस्तान जाने की सलाह दी है और तुम इसकी तारीफ कर रहे हो, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से इसरारुल हक कह रहा है कि एक दिन तुम्हें अल्लाह को अपना चेहरा दिखाना होगा, ये करना होगा वो करना होगा। उसामा लिख रहा है दैट्स द रीजन अल्लाह सेंड अजाब अपॉन यू। फरहान लिख रहा है दुबई में एजुकेशन की कमी हो गई है लगता है। इशाक लिख रहा है वेरी सून अरब काउज विल ड्रिंक मूत्रा। इम्तियाज लिख रहा है अब दुबई और नहीं बचेगा, इतना गंदा गंदा आदमी आ रहा है वो भी मुस्लिमों से नफरत करने वाला। इसी तरीके के तमाम कमेंट्स आए। और तो और आदिल खान लिख रहा है वही शख्स जिसने प्रॉफिट मोहम्मद और हसन अली का इंसल्ट करा है और इसको ही तुम बुला रहे हो। बहुत ही जबरदस्त कमेंट्स हैं, अगर इस पोस्ट को आप देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। अब इसके अलावा अभी और भी आगे कमेंट्स हैं जिसमें एक पोस्टर उन्होंने डाला जिसमें भी उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को गुरुजी कहा। अब इसके नीचे कमेंट तो देखने को मिलेंगे ही। एक तो ये कह रहा है ये फेक है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक ने लिखा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मे द पनिशमेंट ऑफ गॉड डिसेंड ऑन दीज अरब दे डिड नॉट सपोर्ट फिलिस्तीन आमीन। अर्शी सिद्दीकी ने लिखा जोकर वेलकमिंग अनादर जोकर। आमिर लिख रहा है ये नापाक शुअर उधर क्यों जा रहा है, फिर दुबई में फ्लूड आएगा इसकी नापाकी दूर करने के लिए। एक ने लिखा बेगैरतों सिर्फ वेलकम नहीं करो इसके साथ बैठकर भजन कीर्तन भी करना। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनको दर्द हो रहा है। परवेज ने आगे लिखा दीज आर रीजंस ऑफ व्हाट हैपेंड इन दुबई नॉनसेंस, ये सारी चीजें देखने को मिली। चलिए अब एक और पोस्ट पे चलते हैं। इस पोस्ट में तो इनके जहर का गुब्बार फूट पड़ा। इसमें डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ दुबई के मंदिर में दिखे, पूजा करते हुए भी दिखे। नीचे फिर से डीपी में तिरंगा लगाए हुए मुस्लिम शेम लिखते नजर आ रहे हैं। एक ने लिखा तुम सिर कर रहे हो, क्या तुम मुस्लिम बचे हो या एक मूर्ति पूजने वाले बन गए हो, तुम मुस्लिम और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक तो बाकायदा गाली दे रहा था, कह रहा था मंदिर बनवा रहा है। एक ने कहा कि तुम पर अल्लाह का कहर बरसे। इस तरीके से इसके नीचे और भी तमाम कमेंट्स हैं। अब थोड़ा नीचे जाते हैं तो एक और इनकी पोस्ट देखने को मिलती है जिसमें वो फिर से प्रमोद कृष्णम जी के साथ दिखाई पड़ते हैं। इसमें भी कट्टरपंथी ये तक कह रहे हैं कि तुमने तो हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, तुम अब मुस्लिम ही नहीं रहे। इस तरह के तमाम कमेंट्स ये नकली कन्वर्टेड लोग कर रहे हैं। खैर आपका क्या सोचना है इन सब पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।